हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको मटर आटा कचौरी की रेसिपी बताने जा रही हूँ। कचौरी तो आप खाते होंगे हमेशा, बट आज जो मैं कचौरी बनाऊँगी ये आटे से बनाऊँगी, और जो आप मैदा की कचौरी खाते हो ये उससे भी स्वादिष्ट होगी और हेल्दी तो होगी साथ में। अब जैसे सर्दी आ गई हैं तो मटर, ताज़े मटर बिल्कुल मार्केट में मिलेंगे, तो आप उससे ये कचौड़ी बना सकते हो और बहुत ही स्वादिष्ट बनकर आती है और हेल्दी, क्योंकि आटे की चीज़ तो हेल्दी होती है, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम हरे मटर लेंगे, ये करीब आधा किलो मटर से हमने निकाला था। और उसके बाद आलू, थोड़ा आलू से बाइंडिंग अच्छी हो जाती है, तो मटर को निकाल लीजिए और आलू को छीलकर पीसेस कर लीजिए, क्योंकि मटर जल्दी पक जाती है इसलिए आलू के पीसेस करने पड़ेंगे। और इसको कुकर में भी उबाल सकते हैं या फिर किसी भी भगोने में डालकर, पानी, आप नमक और हल्का चीनी डालकर उबाल सकते हैं, बट मुझे जल्दी थी तो मैंने कुकर में डाल दिया। एक विसल भी नहीं आई थी, अभी विसल स्टार्ट होने वाला था उससे पहले मैंने बंद कर दिया, लेकिन बट मेरी फ्लेम जो थी मीडियम टू लो थी, ठीक है, हाई फ्लेम में नहीं थी। तो अब एक विसल से पहले आप उतार दीजिए और उसका पानी निकाल के साइड में रख लीजिए। चलिए अब हम चटनी बनाते हैं जो कचौड़ी से खाएंगे। इसके लिए हम लेंगे धनिया पत्ती और उसमें एक टमाटर पका हुआ, छोटे छोटे स्लाइसेस, दो चार गाजर, ये मूली के, हरी मिर्च, नमक, एक चम्मच आमचूर पाउडर, पुदीना के कुछ पत्ते, नींबू के रस, इनको डाल करके आप इसको दरदरा पीस लीजिए। देखिए जैसे मैंने पीसा है ना, आप इसमें सूखी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। वो हमारा रेडी हो गया। चलिए अब हम इसको निकाल लेते हैं। मटर आलू को मैंने निकाल लिया, पानी में से अलग कर लिया। अब इसको बिल्कुल ठंडा होने के लिए आप छोड़ देंगे। ठंडा हो जाएगा तो आप इसको ग्राइंडर में चला लीजिए या फिर मैशर से मैश कर लीजिए। मैशर से मैश करने के लिए आपको गरम गरम करना पड़ेगा, बट अगर आप ग्राइंड कर रहे हो तो ठंडा करके। अब चलिए अब हम जो इसकी फिलिंग होगी ना मटर कचौड़ी की, तो कचौड़ी की जो फिलिंग होगी मटर वाली, उसके लिए हम क्या करेंगे, सरसों तेल डालेंगे, उसमें डालेंगे जीरा, हींग, कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ा सा अदरक, इन सबको डाल के चटक जाए। उसके बाद आप जो पेस्ट आपने बना लिया था ना मटर आलू के, वो डाल दीजिए। अब इसी में मसाले जाएंगे आपके, थोड़े से धनिया पत्ती आप काट के साइड में रख लीजिए, ठीक है। लाल मिर्च चिली फ्लेक्स डालें या फिर लाल मिर्च पाउडर डालें, फिर चाट मसाला डालें दो चम्मच, एक चम्मच मिक्स मसाला भरकर, हल्दी पाउडर, मिक्स मसाला में काली मिर्च, जीरा और धनिया होता है, नमक, इन सबको डाल करके अच्छे से फ्राई कर लीजिए। धनिया पत्ती भी खूब सारा काट के एंड में डाल दीजिएगा, ठीक है। इसको पूरा सुखाना है आपको, गीला नहीं रहने देना, इतना सुखाना है कि बॉल बन जाए, ठीक है। चलिए अब हम आटा तैयार करते हैं कचौड़ी के लिए। तो मैंने दो चम्मच, बड़े चम्मच से आटा लिया, उसी चम्मच से करीब आधा से ज़्यादा चम्मच मैंने सूजी लिया, अजवाइन लिया, अजवाइन को क्रश करके डाल दीजिए, नमक डाल दीजिए थोड़ा सा, और दो चम्मच उसी चम्मच से, बड़े चम्मच से दो चम्मच तेल डाल दीजिए, ठीक है। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए हाथ से या फिर चम्मच किसी से भी, अच्छे से मिक्स करना ताकि सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए। जब अच्छे से मिक्स हो जाए ना बढ़िया से, उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका आटा तैयार करेंगे। और इसका आटा जो है ना बिल्कुल टाइट नहीं होगा, हल्का सा बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा, ठीक है, टाइट नहीं करना, अदरवाइज़ कचौड़ी आपकी अच्छी नहीं बनेगी। इसकी आटा जो है ना वो थोड़ी सी सॉफ्ट रहेगी ताकि आप जब इसके अंदर फिलिंग करो ना तो ईजिली अच्छे से कवर हो जाए, ठीक है। इसको ढक के आधा घंटा के लिए छोड़ दीजिए। अब देखिए मैंने जो फ्राई किया था ना फिलिंग, ये देखिए इस तरह से सख्त बनाना है ताकि इसके बॉल्स बन जाए, ठीक है। तो मैंने 5 बनाए थे शुरू में, वो मैं दिखा देती हूँ। तो इतने बड़े बड़े बॉल्स जो है मैंने लिए थे, तो इस तरह से बॉल्स आप बना लीजिए, गीली नहीं होनी चाहिए। देखिए सूखी है जब ये बॉल्स बनकर तैयार हो गया ना, तो बॉल्स तैयार कर लीजिए। उसके बाद कचौड़ी के लिए जो आटा गूंदा था ना वो आधा घंटा हो गया। अब इतने बड़े बड़े बॉल निकाल लीजिए उसके, तो मैंने 5 बॉल निकाले। अब आटा डाल करके, सूखा आटा डाल के अब कटोरी वाला शेप देंगे, ठीक है। कटोरी शेप देने के बाद बीच में वो बॉल रख दोगे और इसको इस तरह से रैप करके
क्लोज कर दो, आटा हल्का सॉफ्ट रहेगा ना तभी ये हो पाएगा, सख्त रहने से वो फट जाते हैं। एक्स्ट्रा है तो निकाल दीजिए और इसको हल्का सा हाथों से ही बेल लीजिए, बेलन से बेलने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कचौड़ी होती है ना मोटी मोटी गोल गोल वैसे ही। पहले बिल्कुल ही धीमी आँच पे आप रखेंगे, ये रिफाइंड ऑयल है, इसको बिल्कुल ही धीमी आँच पे पकने देंगे 10 से 12 मिनट। उसके बाद आप इसको तेज़ आँच करोगे, मीडियम टू हाई करोगे और इसको करारा होने तक तलोगे। टोटल करीब 15 मिनट लग जाते हैं, 20 मिनट इसको बनाने में वन टाइम में। थोड़ा पेशेंस रखेंगे तो बहुत अच्छा बनकर आएगा। देखिए कितनी करारी बनी है, पेपर देख कर देखो कितना बढ़िया बना है ना। फिर इसमें आप सारा चाट मसाला, चटनी, दही, जो भी आप डालते हो चाट में, सारा कुछ डाल करके खाओ। बहुत ही स्वादिष्ट बनकर आया था, कहने से आप ज़रूर बनाना। और फ्रेंड्स, अगर आपने मुझे सब्सक्राइब अभी तक नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो लाइक कर दीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए अगर अच्छा लगा हो तो, और फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका मज़ा ले सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।